हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं जितेश पारा सर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से। कुछ बच्चे हमसे थोड़े से खफा हैं, इसलिए कि हम वीडियोस को कंटिन्यूटी नहीं बना पाए। और बेटा, कुछ कारण ही होगा कि जिससे मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, लेकिन ये जो बचे हुए 10 से 12 दिन हैं, ये मैं पूरी तरह एयरफोर्स के नाम करता हूँ, तुम्हारे नाम करता हूँ। ढंग से बहुत नंबर ऑफ वीडियोस जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, लगातार प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। और बहुत जल्द मैं दिल्ली पहुँचकर 1 से 2 दिन में मैं न्यूमेरिकल का लाइव सेशन लाने वाला हूँ, वो सिर्फ कोर न्यूमेरिकल होगा। क्लियर है? DPP जो ये है, DPP नंबर 14, इसमें हमारा जो डिस्कस होगा बेटा, वो होगा मॉक टेस्ट। क्लियर है? मॉक टेस्ट का मतलब फुल कंप्लीट, जैसे कि जैसे एयरफोर्स में आता है। 25 क्वेश्चन होंगे, मिक्स में होंगे, बाईलैंगुअल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं अभी लगातार। चलिए, नाराजगी दूर करिए और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कहता है, चूज करिए करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बताइए इन तीन ऑप्शनों में से कौन सी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन होती है। हिंदी मीडियम जब इसे पढ़ेगा तो कहेगा मुक्त स्थान का विद्युतशीलतक का सही विमीय सूत्र क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा था F=K, बाबा कूलाम याद है ना, F=K Q1 Q2 upon R square। तो इसको कैसे लिखते थे, F=1/4πε₀Q1Q2/R² बेटा ऐसे लिखते थे, नहीं लिखते थे। अब आप एक क्या करो, इस एप्सिलॉन नॉट को तो ले जाओ यहाँ और फोर्स को ले आओ यहाँ, तो बताओ एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा और बल यहाँ आ जाएगा फोर्स। अब बताओ क्या इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। बेटा क्यू जो है ये आवेश है, दो आवेश हैं, बिल्कुल। अच्छा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, I × T होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। एम्पियर और टाइम हो जाएगा, बिल्कुल निकाल दोगे। फोर्स तो मैं दे रखा है, MLT-2 होता है। और R क्या है, रेडियस, ये L² होगा। सबको ले जाना, नीचे वालों को ऊपर ले जाना और देखना तुम्हारी डायमेंशन निकल के आ जाएगी। और जिन बच्चों ने ट्राई किया है, वैसे मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जब आप निकाल रहे होंगे तो डायमेंशन क्या निकल कर आई बच्ची, विमीय सूत्र। कर लेंगे कैलकुलेट, बच्चे कैलकुलेट किया, इसका करेक्ट आंसर, सही जवाब होगा 4m-1l-3 T^4 a^2। बहुत अच्छी, सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है बेटा, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी अंडरस्टूड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। अरे इन दिए हुए लॉ में से, इन दिए हुए नियमों में से कौन सा संवेग आरक्षण के बारे में बताता है। रेखीय संवेग के आरक्षण में से निम्न में से कौन सा नियम बताता है, बताइए। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वीय सिद्धांत, दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ, तीसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या चौथा न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बताइए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम, या दूसरा और तीसरा दोनों नियम। बच्चे संरक्षण जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, उसके बारे में बताने वाले जो लॉ है बेटा, वो है सेकंड लॉ एंड थर्ड, दोनों हैं, याद रखना। बताओ ये जो तुमने पढ़ा है, बताओ कभी पढ़ा था कि F=ma होता है और सर जी DP/dt होता है। अरे संवेग को ये ही डिफाइन करता है सेकंड लॉ, लेकिन थर्ड लॉ में भी इसका एप्लीकेबल यूज होता है। कैसे होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू इट्स रिएक्शन। बेटा यहाँ भी मोमेंटम लगता है, जितना मोमेंटम, जितना संवेग यहाँ होगा टकराने से पहले होगा, उतने टकराने के बाद होगा, संवेग दोनों में लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4।
बताइए। क्लियर है सभी को? हाँ जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है एक कार इज रनिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो रन करती है, मूव करती है, कितनी वेग से? 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है, ठीक है। अच्छा, सडनली स्टॉप, ओहो, अरे वो स्टार्ट की है, ध्यान से सुनना। जब बेटा स्टार्ट करे तो वो उसका आरंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, कितनी है सर जी? 20 मीटर पर सेकेंड। और सडनली ब्रेक, अचानक से ब्रेक लगा देती है। बेटा एक बात याद रखना, जब ऐसी बात बोल दे कि वो अचानक से रुक जाती है, अचानक से ब्रेक लग जाती है, तो उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होती है ना, अंतिम वेग जो होता है, वो वी जीरो होता है। अच्छा, तो सर ये यू जीरो कब होता है? यू जीरो जो होता है आरंभिक वेग, वो तब जीरो होता है जब वो ये कहे कि कोई वस्तु अपने आरंभ से स्टार्ट करती है, आरंभ से शुरुआत करती है, तो यू जीरो लेके चलना है। और ब्रेक लगा दे तो इसका मतलब फाइनल जीरो है। ये बात पची कि नहीं पची? सर पच गई। तो सुनो क्या कहता है, फाइंड द टोटल वर्क डन टू स्टॉप द कार। तो बताइए टोटल कार्य कितना होगा। द मास ऑफ कार इज दिस, कार का मास इतना है। हिंदी मीडियम को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन आपके पास 20, 40, माइनस 40 और जीरो हैं। एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बेटा कॉपी पेन साथ रखो और लिखा करो साथ, ट्राई किया करो मेरे साथ। और कार को रोकने के लिए अचानक से ब्रेक लगाया जाता है, लगा दिया मतलब वी जीरो हो गया। कार को रोकने के लिए किया गया कुल कार्य ज्ञात करो, जबकि उसका द्रव्यमान इतना है, मास इतना है। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा हो? जब आप वर्क एनर्जी पढ़ते हो, कार्य के बारे में पढ़ते हो, तो बेटा वहाँ एक कॉन्सेप्ट था वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि जो कार्य है ना, जो W है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक ऑफ इनिशियल। अंतिम जो गतिज होती है वो माइनस होती है प्रारंभिक से। क्लियर है? तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अरे ये जो फॉर्मूला है ये वर्क एनर्जी थ्योरम से है। किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब कौन सी प्रमेय? जो कार्य और ऊर्जा की प्रमेय होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे करो, हाफ को ले लो, कॉमन ले लिया, जब मैं स्क्रीन पे लिखा करूँ सिर्फ उसे देखा करो, तो एम बाहर आ गया, बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे सर जी एम कितना दे रखा है? बेटा बताना एम कितना दे रखा है आपको? सर 200। तो क्या लिखोगे? हाफ इंटू 200। अच्छा वी क्या बन गया था तुम्हारा? जीरो। और यू कितना है तुम्हारा? बोलना, यू है 20, आ रहा है ना 20, तो 20 का स्क्वायर कितना बनेगा? सीधा कर दो, यहाँ तुम क्या बोलोगे? इंटू करके 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, लेकिन वो माइनस का होगा ना? बिल्कुल होगा। आप ग्रीन वाले पेन पे देखना बेटा, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो पता है कितना आएगा? माइनस 40,000 जूल के बराबर आएगा। अच्छा बताओ, हजार को किलो, 40,000 बेटा एक जीरो रहेगी, जूल, हजार को किलो कहते हैं ना, तो बेटा इसका आंसर आएगा माइनस 40 किलो जूल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माइनस 40 किलो जूल। बोलो क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कर लेंगे, अरे सर मास एनर्जी पे रिलेशन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, क्वेश्चन में ये देखा करो क्या क्या दे रखा है। यू तो मैं पता था कि सर वो 20 की रफ्तार से आ रहा है, क्यों? यू और वी कैसे डिसाइड हुए? सर जी अचानक ब्रेक लगी है तो वी जीरो हो गया। क्लियर है? मास तो मैं दे रखा है, कुल कार्य पूछ रहा है, कुल कार्य कितना होगा? तो तुम्हें पता है कार्य और ऊर्जा में एक संबंध होता है, जिसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ आपके सामने पेश किया जाता है, ध्यान से सुनना। ए बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल है जो मास है जिसका वो कितने का है? 2 kg का, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बॉल का जो मास है वो कितना बेटा? 2 kg। अब कहता है इनिशियली इन द हैंड ऑफ अ गर्ल, वो लड़की के हाथ में है, द गर्ल थ्रो द बॉल विद ए स्पीड ऑफ, और जो
वो गर्ल है जो लड़की है वो कितनी स्पीड से फेंकती है 20 मीटर पर सेकंड से, तो कहता फाइंड द इम्पल्स, तो बताइए उस पर इम्पल्स कितना होगा। अब सुनिए ध्यान से, गर्ल थ्रो फेंकती है 20 मीटर की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी की वैल्यू दे रखी है ना। अच्छा अब सुनना ध्यान से, हिंदी मीडियम को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑप्शन है 10, 20, 40, -40। 2 kg द्रव्यमान वाली एक गेंद है, प्रारंभिक में लड़की के हाथ में थी। भैया मेरे बच्चों, प्यारे बच्चे, ये बताओ आरंभ में हाथ में थी, और अभी थोड़ी देर पहले बताया कोई चीज़ रुकी हुई अवस्था में हो, आरंभ में हो, तो यू क्या होता है? यू जीरो होता है। अरे सर वाह, यू क्या बन गया? यू जीरो है। और उस गेंद को फेंकती है वो 20 मीटर, वी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। बहुत बढ़िया, आवेग बताओ, इंपल्स बताओ। क्या तुम्हें आवेग बताना नहीं आता? बताना, कभी इंपल्स तुमने पढ़ा होगा तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता? बल गुणा में समय, बिल्कुल होता है। अरे आपने फोर्स इनटू टाइम भी पढ़ा, और एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता है कि P2 - P1। ओ जी, P2 - P1 होता है कि नहीं होता? मतलब चेंज जो आता है आवेग में वो भी किसके बराबर होता है? जो चेंज आता है संवेग में, लीनियर मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है? इंपल्स के इक्वल होता है। तो रख दो वैल्यू सिंपल। अच्छा P2 कितना बनेगा? M × V। M कितना था उसका? बोलो M कितना था? M जो था, यहाँ P2 की वैल्यू क्या रखोगे? M V2 - M V1, ऐसे ही तो बोलोगे। अच्छा V2 क्या है? V2 जो वेलोसिटी, V1 जो है वो तो जीरो थी। अच्छा तो क्या कहोगे? 2 × 20 - ये तो पूरा जीरो बन गया। बताओ V1 की वजह से जीरो बन गया ना, तो बेटा ये कितना आएगा? 2 × 20 कितना बन गया? 40। करेक्ट आंसर क्या होगा? सर 40 होगा। बताओ 40 आया कि नहीं आया? समझ सर जी, I = F × T होता है, लेकिन ये फॉर्मूला ना लग के ये भी तो लग सकता है, I = P2 - P1, संवेग के अंतर के बराबर, और संवेग क्या होता है? M2V2। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, M2V2 - M1V1। V1 क्या है शुरुआत का? जीरो है। V2 क्या है? 20 है। वैल्यू पुट कर दी, जबकि जो गेंद का जो मास है, द्रव्यमान है, वो 2 है। बताओ कर लोगे क्वेश्चन? बड़े आराम से हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th में सुने, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल है जो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी कंजर्व्ड अबाउट। बताइए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वो किसके अराउंड संरक्षित होगा, कंजर्व होगा? क्वेश्चन नंबर 5th में, ठीक है। अच्छा हिंदी में एक्सप्लेन करें, इंग्लिश में ऑप्शन बोलता हूँ, किसी पॉइंट पर होगा स्पेस में, जो ये था, ठीक है, या उसके सेंटर ऑफ सर्कुलर पे होगा, सर्कुलर पाथ का जो केंद्रक है वहाँ होगा, अबाउट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंटों पे होगा, या एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, वो कंजर्व होगा ही नहीं। हिंदी मीडियम को बताते हैं, एक कण स्थिर गति से, कॉन्स्टेंट गति से वृत्ताकार जो पथ है, वृत्ताकार पथ में ऐसे घूम रहा है, कण का कोणीय वेग जो होगा, जिसे तुम पता है कोणीय संवेग, मतलब एंगुलर मोमेंटम, जिसे तुम L से रिप्रेजेंट करती थी, कैपिटल L से, क्लियर है? बताइए ये कहाँ पर संरक्षित होगा? ऑप्शन ए, सभी स्थानों पर बिंदु पर, वृत्ता के पथ के केंद्र पर, बंदुओं में पथ की परिधि पर, क्लियर है? या फिर ये सरजी संरक्षित होगा ही नहीं? बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ये इसके सेंटर के अराउंड क्या होगा, सेंटर सरकम जो है केंद्र है उसके अराउंड क्या होगा, एल क्या होगा? कंजर्व संरक्षित होगा। बोलो जी बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 6th, इफ द अर्थ ग्रेविटी बिकम जीरो, अगर ये कहता है कि अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो जाए,
जो जी होता है ना जी, जो 9.8 जिस जी की वैल्यू तुम बोलते हो, जी इज इक्वल टू 9.8, अगर ये जीरो हो जाए, ग्रेविटी जीरो हो जाए तो क्या होगा? वी कैन फ्लाई इन एयर, क्या हम हवा में उड़ सकते हैं? वी विल गेट अटैच विद द अर्थ, अर्थ के साथ चिपक सकते हैं। आवर वेट विल बी इंक्रीज, हमारा जो वजन है वो बढ़ सकता है। आवर वेट विल रिमेन सेम, अजी वही रहेगा। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हिंदी मीडियम में बोल देते हैं पृथ्वी का घुर्तवीय शून्य हो जाए तो हम हवा में उड़ सकते हैं, पृथ्वी से जुड़े रहेंगे, भार बढ़ेगा या भार समान रहेगा। करेक्ट आंसर इसका होगा, हम बताए क्या होगा, उड़ने लगेंगे। ओ जी हवा में उड़ने लगेंगे अगर ग्रेविटी जीरो बन जाए। तुम सोच रहे हो सर जी कैसे? अरे स्पेस देखा है, जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, ऐसे बड़े आराम से उड़ते रहते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है। याद रखना ये बात। तो ग्रेविटी जीरो होगी और इसी कंडीशन को बेटा ये वेटलेसनेस का भी सुना था लिफ्ट में, एम जीरो हो जाए, ग्रेविटी जीरो हो जाए तो ये पूरा वेटलेसनेस, लिफ्ट अचानक से टूट जाए, बहुत 250 बिल्डिंग ऊपर है और ऊपर से लिफ्ट टूट जाए तो पता है ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि तुम स्पेस में हो, आराम से तैरोगे उसमें लिफ्ट में ही। क्लियर है? तो याद रखना ग्रेविटी जीरो हो जाती है तो हम तैरने लगते हैं, उड़ने लगते हैं हवा में। सही जवाब। एक बार सुनो, क्वेश्चनों को ऐसे किया करो, लिखा करो, DPP नंबर डालो और क्वेश्चन लिखो और उसके सामने सीधा आंसर लिखो, एक्सप्लेनेशन मैं बोलता हूं तुम्हारे सामने उसे लिख लिया करो। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हम आपके सामने स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन भी डिफाइन कर देंगे। कहता है ये लिक्विड ड्रॉप लेट है जो रेडियस 1 मीटर स्प्लिट इनटू 1000 स्मॉल आइडेंटिकल, वो जी एक बूंद 1000 छोटे 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 बूंदों में टूट गई। देन फाइंड द चेंज इन द सरफेस एनर्जी, तो बताइए सरफेस एनर्जी में चेंज क्या होगा यदि उसका सरफेस टेंशन 10 न्यूटन मीटर है। तो बेटा बताइए 360 होगा, 400 पाई होगा, 200 पाई या जीरो। हिंदी मीडियम को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। एक मीटर, कहता एक मीटर त्रिज्या वाली एक तरल बूंद थी जो 1000 छोटी 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 बूंदों में विभाजित हो गई, तो बताइए इस सतह ऊर्जा में परिवर्तन जो पता लगाया जाएगा वो कितना होगा, सतह की ऊर्जा में मतलब सरफेस एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा जबकि उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, 10 न्यूटन मीटर दे रखा है। एक बात बताओ, पूछा तुमसे सतह ऊर्जा सरफेस एनर्जी, अरे भाई जब सरफेस एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तभी तो तुम बता पाओगे, तो याद करो सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले को। मुझे एक बात बताओ, सरफेस एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल, वो जी सरफेस टेंशन गुना में डेल्टा ए होता था कि नहीं होता, एरिया क्षेत्रफल, सर बिल्कुल होता था, सही कह रहे हो आप। क्लियर है? अच्छा अब सुनना बेटा ध्यान से, जब सरफेस टेंशन आप निकालेंगे, अब आपको क्या यहाँ से सरफेस टेंशन से एरिया तुम्हें पता है, सरफेस टेंशन तुम्हें पता है, ये कैलकुलेट करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इस पॉइंट में आप ये देखो कि जो VO है, VO जो उसका वॉल्यूम है वो कितना होता है, 4/3 πr³ होता है कि नहीं होता? अरे बूंद गोल होती है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन, 4/3 πr³ होता है, सर बिल्कुल होता है, ठीक है। ये जो बूंद थी ना, ये जो बूंद थी, दोबारा से लिखता हूँ, ये जो ड्रॉप थी जो 4/3 πr³ की रेडियस, कैपिटल आर बोलते हैं बेटे से, कैपिटल आर क्यूब के साथ थी, ये पटा टूट गई कितने में, 1000 छोटी छोटी जो 4/3 πr स्मॉल आर की रेडियस थी, ये बात पची के नहीं पची पहले बोलो। अरे इसको इसके बराबर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, सर एक ही बूंद थी जो 1000 बूंदों के बराबर में स्प्लिट हो गई, तो बात तो वही है, बस रेडियस उनकी बदल गई। अच्छा जब यहाँ वैल्यू रखो ना, तो 4/3 πr की वैल्यू मान लेना एक, एक था मान को चलो, उसकी रेडियस 1 थी, मान ली 1 मीटर। अच्छा ये 1000 गुना में 4/3 πr³, तो बेटा क्या यहाँ से आर क्यूब निकल जाएगा, पता है यहाँ से आर कितना आएगा, 1/10 मीटर आएगा,
कर लो कैलकुलेट, 1/10 मीटर आएगा। अब देखो 1/10 मीटर आएगा। अब इस एक्सप्लेनेशन को मैं स्क्रीन पर शो करता हूँ, देखिए ये रहा। बताइए बेटा, आपने दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद जो पहले थी और फिर हजार में टूट गई उनको इक्वल रखने के बाद स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। सर बिल्कुल आ गई, ये स्मॉल आर की वैल्यू। अब देखो उस फॉर्मूले में देखो जो मैंने सरफेस एनर्जी वाला बताया, टेंशन इंटू डेल्टा ए, टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। अच्छा क्या होगा, एरिया में कितना बदलाव आया है? सर जो पहले 4πr² हुआ करता था माइनस, उसमें से माइनस कर दिया, कितना छोटी छोटी बूंदों वाला कर दिया। अच्छा 4πr² कोई दिक्कत तो नहीं। ये बताओ इस कंडीशन में, अच्छा टेंशन कितना दे रखा तुम्हें, टेंशन कितना है 10 वैल्यू रख दो। अब बताओ इसकी वैल्यू रख दोगे तुम, 1000 × 4π, पीछे वाले को पहले लिख दिया, बटे 1/10, क्योंकि r की वैल्यू कितनी निकाली 1/10, माइनस 4π, कैपिटल r कितना था 1 मीटर, सर जी 1 का स्क्वायर कर दिया। जब इसे कैलकुलेट करोगे ना तो बेटा यहाँ से आएगा 360 π। 360 π क्या एनर्जी है, तो SI यूनिट बनेगी जूल। बेहतरीन क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इसका 360 π होगा। क्लियर है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए बच्चे, द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ न्यूट्रल एक्सेस बीम कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी, नो मोर डेटा, कोई कुछ नहीं पता। बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ न्यूट्रल, देखिए एक बीम का उदासीन अक्ष क्या होगा, ये कोई बीम है, ये रही बीम, इसका डैश 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 डैश, बताइए उदासीन अक्ष कितना होगा, न्यूट्रल एक्स कितना होगा। बेटा न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहा है, पता है न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। क्लियर है, अरे झुकाव होगा ही नहीं उसमें, क्लियर है, किसी जो बीम रहेगी न्यूट्रल एक्सिस की उसका झुकाव क्या होता है, प्रतिबल उस पर कितना लगता है, बेटा जीरो लगता है। बात समझ आई, याद रखोगे। क्लियर है जी, करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें, स्ट्रेस कितना लगेगा, बेंडिंग स्ट्रेस कितना लगेगा, जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9th, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहता है द इक्वेशन ऑफ SHM, बेटा सीरीज को कंटिन्यूटी में देखा करो पूरी तरह फुल, और नोट्स बनाया करो, एक बार एक सीरीज के सिर्फ नोट्स बना लो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं कभी उसे, ठीक है। मजा सिर्फ तब आएगा जब क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, और सिर्फ इनको पेपर टाइम पर रिवाइज करके जाना है। द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ द पार्टिकल y = a sin ωt, अरे सर ये तो ऐसे लिख रहा है जैसे ओमेगा टी है कि नहीं, बेटा ओमेगा ही तो है, या ओमेगा 4π तो है, बिल्कुल है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वो जी विस्थापन निकालना है, जबकि देखो यूनिट से देखो 1/1/24 1/24 सेकेंड दे रखा है, नियर द एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजीशन के पास निकालना, बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हिंदी में बोलने के बाद इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कण के SHM की समीकरण ये दे रखी है, निकट की चरम स्थिति से, चरम स्थिति के इतने सेकंड पर कण का विस्थापन बताएं। बेटा अगर तुम्हें याद हो ना, इसे बोलते थे मीन पोजीशन और इसे बोलते थे एक्सट्रीम, हिंदी मीडियम जिसे हम एक्सट्रीम बोल रहे हैं, एक्सट्रीम हिंदी मीडियम उसे चरम स्थिति कहता है। बहुत बढ़िया, अच्छा यहां से 1/24 सेकंड बाद उसका जब एक्सट्रीम से आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, ओ जी उसका विस्थापन बताना तुम्हें, बोलो बात पची कि नहीं पची, जब इसका तुम्हें विस्थापन बताना है कितने सेकंड के बाद, ऐसे चलो वैल्यू रखो पहले तो। अच्छा हम जानते हैं सर y = a sin 4π × अच्छा सर t की वैल्यू कितनी है 1/24, बिल्कुल सही बोला तुमने, 4 से काटो 6, अरे सर y = a sin बेटा कितना आ गया, π/6 आएगा कि नहीं आएगा, देख लो 1π/6 बचेगा सिर्फ। अच्छा π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, अरे सर जी y = a/2 आ गया। पहले एक बात बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, तुम बोलोगे सर जी नो दिक्कत, आ गया ना,
कुछ नहीं, उस इक्वेशन में, समीकरण में टाइम की वैल्यू रख दी, जो कटना था उसे काट दिया, साइन पाई बाई सिक्स साइन तीस का मान रख दिया एक बटे दो, बेटा वाई की वैल्यू कितनी आई, ए बाई टू आई कि नहीं आई, पहले एक बात बताओ। ठीक है, अच्छा सुनना अब ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ तो जीरो होता है, यहाँ ए होता नहीं होता, और यहाँ ए होता लेकिन ये माइनस में होता है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना था, कितना पीछे हुआ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ वाई कितना आया है, वाई कितना आया ए बाई एक बटे दो, आया नहीं आया ए बटे दो, और यहाँ कितना होता है ए, सीधी बात है इस एक्सट्रीम चरम वाले में से इसे माइनस कर दो, तो ए माइनस ए बाई टू करोगे तो बेटा कितना आएगा, ए बाई टू ही तो आएगा, तो करेक्ट आंसर है इसका ए बाई टू, मतलब उसके आयाम का आधा होगा, करेक्ट आंसर ए बाई टू। क्लियर है जी सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ अ वेव कैन ट्रेवल इन रॉड, रॉड में किस तरह की, अरे कोई एक रॉड है जिसमें किस प्रकार की तरंग यात्रा कर सकती है, एक्सरे, अरे सर क्यों मजाक करते हो, रॉड में क्या एक्सरे जाएगी ना, ट्रांसवर्स जिसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं, चलो सर सोचेंगे इसके बारे में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ना सर गलत बोल रहे हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे ईएम वेव वो वेव होती हैं, इन्हें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती इनको, बहुत बढ़िया बात। क्या जल वेव होंगी, वाटर वेव, नहीं, ओहो तुम क्या कहोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि फोर्थ ऑप्शन हो जाए, बहुत अच्छे शाबाश, फर्स्ट भी हो नहीं सकता, थर्ड माध्यम हो नहीं सकता, रोड दे रहे हो सर जी, रोड माध्यम ही तो है, और मीडियम में ईएम वेव क्यों होती नहीं है, ईएम वेव कितनी रफ्तार से आती है, सी की रफ्तार से आती है पता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो करेक्ट आंसर होगा ट्रांसवर्स, जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पेश किया जाता है, कहता है वन मोल ऑफ गैस ट्रैप इन अ पिस्टल ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रिपल, वॉल्यूम जो है वो ट्रिपल हो गया, आयतन तीन गुना हो गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बेटा भाषा यही होती है जो पकड़ी जाती है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर, प्रेशर इनिशियल फाइनल के बीच में प्रेशर का अनुपात बताएं, दिए हुए स्क्रीन में 1-3, 3-1, 2-1, 1-2, हिंदी मीडियम को बोल के बताते हैं, गैस के एक मोल पिस्टन सिलेंडर में कोई था जो फंस जाता है, यदि गैस का आयतन स्थिर, तापमान स्थिर है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पर तीन गुना हो जाता है, भाई मेरे तीन गुना क्या हो रहा है, आयतन हो रहा है, तो सिलेंडर का अंतिम दाब और प्रारंभिक दाब का जो अनुपात है, प्रेशर का जो रेशियो वो बताना है। एक बात बताओ, ये बार बार प्रेशर बोल रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है और टेम्परेचर ताप बोल रहा है, याद करो उस पीवीटी को, पीवीटी कौन सा ऐसा था जिसमें जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर ताप कॉन्स्टेंट होता है, तो बेटा तुमने पढ़ा था बाबा बॉयल्स लॉ, याद करो वो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ओहो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता था नहीं आता था गुरुजी, बिल्कुल आता था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लिख सकता हूँ, तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा बेटा, ऐसे करो P2/P1 लेना, क्योंकि इसने कहा अंतिम दाब, तो बेटा P2/P1 ले लिया, सर जी जो ये P1 था यहाँ भाग गया P2 के नीचे, तो बेटा V1 के नीचे कौन आएगा, V1/V2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा उसने कहा था जो वॉल्यूम है वो V1 स्टार्टिंग में एक था लेकिन तीन गुना हो गया, देखो ये रहा तीन गुना हो गया ना, तीन गुना हो गया तो V2 कितना हो गया, तीन आ गया, अरे सर सीधी सी बात है कितना आएगा, 1:3 करेक्ट आंसर होगा, देख लो स्क्रीन पर कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें समझ ना आया हो, अरे गुरुजी बिल्कुल आ गया, वॉल्यूम एक था एक से तीन हो गया, क्लियर है, और तुम्हें इनका अनुपात प्रेशर और वॉल्यूम का अनुपात उल्टा होता है बाबा बॉयल्स के अकॉर्डिंग, पहचान कैसे हुई कि बॉयल्स लॉ लगाना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट ताप दे दिया, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे दिया इसने,
बात क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा एक क्वेश्चन को ऐसे करो ढंग से कि नोट्स बना बना के प्रॉपर, कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या उस पर बेस्ड कोई भी आ जाए तो तुम उसे बड़े आराम से कर डालो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफिशियंट, किसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है? कारनोट इंजन की। बेटा इफिशियंसी को हिंदी में दक्षता बोलते हैं, बताओ किसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है? कारनोट इंजन की, हीट इंजन या पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये वाले की, दोनों की, या कह नहीं सकते? बताइए, अरे बताइए, मैं आपको टाइम दे रहे हैं। बेटा करेक्ट आंसर इसका होगा कारनोट इंजन। कारनोट इंजन की सबसे अधिक होती है, पता है पेट्रोल और डीजल जो इंजन है बेटा इसकी अधिक नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। रिवर्सिबल हिंदी मीडियम समझ रहा है, प्रतिवर्ती पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अपनी पुनः अपनी स्थिति में लौट जाए। ये जो रिवर्सिबल इंजन नहीं होते हैं, पेट्रोल डीजल इंजन रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए इनकी दक्षता लो होती है। लो, हमने हाई पूछा था, तो हाई किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी? कारनोट इंजन की, याद रखोगे? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास स्क्रीन पर। देयर आर 10^20 इलेक्ट्रॉन इज कैप्ट सेंटर ऑफ द क्यूबिक, किसी क्यूबिक होल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं, टोटल फ्लक्स पास करता है। आहा, याद आया, बाबा फ्लक्स के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट, उनका नाम था बाबा गौस, ठीक है, उन्होंने बताया। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, तो बेटा बताओ इनमें से कौन सा होगा, कितने पास करेंगे? 8/ε0, 16/ε0, 16/ε0, 8/ε0। एक घन है जो खोखला है, बिल्कुल है खोखला, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 10^20, 10^20। तो घनीय की सतह में गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में बताएं। अरे ये तो बाबा गौस आ गया सर, और हमने पढ़ा था बाबा गौस, φ=(E·dS)=Q/ε0। बोलो ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अरे बोलो ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सर बिल्कुल पढ़ी थी। अरे तुमने तो बाबा क्वांटाइजेशन, कुलाम्स बाबा के अकॉर्डिंग जब पढ़ाया था, उससे पहले क्वांटाइजेशन बताया था, चार्ज क्वांटाइजेशन Q=NE होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कितने हैं? 10^20 गुना एक इलेक्ट्रॉन कितना है? सर जी कहीं से Q मिल जाए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, और वही आंसर होगा। और Q तो निकाल रहे हैं हम, Q=NE क्वांटाइजेशन से। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6×10^-19, अच्छा देखो माइनस का 19, 20 बचेगा, एक इसके अपॉन में बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऐसे 16 आएगा, चार्ज रख दो 16/ε0, 16/ε0, सर जी आ गया। अरे वो कुछ भी दे सकता है तुम्हें, ऐसा ही क्वेश्चन देगा तो एन इसे नकार देंगे वैल्यू, क्यू की वैल्यू आ गई, 16/ε0 करेक्ट आंसर होगा। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द रोलर ऑफ वेन डीग्राफ जनरेटर। बेटा ये वेन डीग्राफ जनरेटर वो जो अब हटा दिया सिलेबस से, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी को रियायत नहीं देते, याद रखना। जिस कोरोना काल में अभी जिन बच्चों ने ट्वेल्थ करी है उनके लिए ये बड़ा दुखद टाइम रहा है, क्यों? जो तुम्हें CBSE बोर्ड ने हटा दिया, सिलेबस में नहीं कराया, लेकिन बेटा कॉम्पिटिशन तुमसे छूट नहीं देगा, कॉम्पिटिटिव पूछेगा। CBSE बोर्ड ने साइक्लोट्रॉन हटा दिया, गलती कर दी उसे हटा करके, क्योंकि बच्चे को साइक्लोट्रॉन की नॉलेज नहीं होगी। जिन्होंने वेन डीग्राफ नहीं पढ़ा था, हट गया था, बता देता हूं तुम्हें, ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, मैं सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर नहीं बता रहा, अगर क्वेश्चनों के आंसर बताता तो 20 मिनट की जगह इसे 6 मिनट में कर डालता पूरी को, क्लियर है? जो पेपर में 20 मिनट में टाइम होता है 6 मिनट में, लेकिन मैं पूरा 30-40 मिनट ले रहा हूं, क्यों? समझाने के लिए तुम्हें, कि दोबारा कभी आ जाए तो पढ़ लोगे तुम। बेटा वेन डीग्राफ जनरेटर है, एक होता है वेन डीग्राफ जनरेटर और एक होता है साइक्लोट्रॉन। क्या होता है? साइक्लोट्रॉन, अरे ये हमसे मिस्टेक से दब गया जी, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, अच्छा, वेन डीग्राफ जनरेटर और साइक्लोट्रॉन दोनों क्या हैं? बेटा इलेक्ट्रॉन को, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन थी। सर ये एसिलरेट वर्ड क्या बोला तुमने? हिंदी मीडियम सुनेगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, एसिलेशन होता बेटा किसी की वेग बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बड़ी रफ्तार से खींच के, ऐसे 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 बम्बार्डमेंट मारे इलेक्ट्रॉन की,
धाएं 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 इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को खींचा जाए। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है बंदूक के अंदर जाता है, जैसे गोली को रखते हैं बंदूक के अंदर रखते हैं और बंदूक से बड़ी रफ्तार से निकलती है, हकीकत में तुमने उस गोली को एक्सेलरेट किया है, उसकी त्वरित को बढ़ा दिया, त्वरण को बढ़ाया तुमने। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए मान चलो किसी चीज़ को गिराना है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, त्वरण बढ़ाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किसको बेटा, प्लस वाले चार्ज पार्टिकल को बताने के लिए हमारे पास आया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बताने के लिए हमारे पास आया वेंडीग्राफ, और उसी को बताता है साइक्लोट्रॉन। पूछा जाएगा कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कि साइक्लोट्रॉन क्या काम आता है, तब तुम बोलोगे धनात्मक को बढ़ाने में आता है सिर्फ। धनात्मक का क्या बढ़ाता है, एक्सीलरेशन बढ़ाता है, त्वरण बढ़ाता है। वेंडीग्राफ जनरेटर भी और ये भी, वेंडीग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज भी देता है, याद रखना, अधिक विभव देता है, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हीलियम पढ़ा है, हीलियम 2He4 जिसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिंदगी में आदरणा कभी अल्फा पार्टिकल आ जाए तो वो हीलियम है, और हीलियम भी क्या होता है अल्फा पार्टिकल जो, वो भी एक्सेलरेट करता है। तो ये पता क्या कर, ये भी तो पॉजिटिव है, तो साइक्लोट्रॉन प्लस को एक्सेलरेट करता है, प्रोटॉन को बढ़ाता है और अल्फा पार्टिकल को भी एक्सेलरेट करता है, ऐसे ही वेंडीग्राफ भी करता है। ये क्या होता था वेंडीग्राफ में, कहता है ये जो रोलर लगा होता था ना, रोलर, ये बेटा ऐसे करके होता था, एक बेल्ट लगी होती थी, वो ऐसे करके प्लस 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 चार्जों को क्या करती थी, यहाँ पहुँचा देती थी चार्जों को ऐसे करके, ठीक है। तो उस रोलर के बारे में पूछ रहा है। पहली बात तो सर आपको वेंडीग्राफ पता लग गया, आपको पता लग गया साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, क्लियर है। ऐसे ही वेंडीग्राफ में पूछ रहा है कि बताइए बेटा ये जो वेंडीग्राफ है, देखो एक फिगर दिखा देता हूँ तुम्हें, डायग्राम में ऐसे होता है बेटा वेंडीग्राफ, देख रहे हो, ये है वेंडीग्राफ का चित्र। तो ये कह रहा है वेंडीग्राफ में कि बताइए इस वेंडीग्राफ में क्या होता है, एक विपरीत आवेश को आकर्षित करता है, एक वेल्ट को रोल को घुमाता है, दोनों सही हैं या इनमें से बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर है बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। ये अट्रैक्ट करता है, विपरीत आवेश को आकर्षित करता है, देखो बेल्ट पे आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और रोल्स द रोल द बेल्ट, और बेल्ट को क्या करता है, रोटेट करता है, बेल्ट को घुमाता है, दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, चार्ज बेल्ट पे चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और घूम जाता है। बोलो कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म सर, आज के बाद वेंडीग्राफ आ जाए उड़ा डालेंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने पेश किया जाता है, 15 कहता है बिलो द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बताइए कौन सी, अच्छा अरे सर जी ये तो किरचॉफ्स का है, हिंदी में बताने की भी जरूरत है इसको, चलो हिंदी में बता देते हैं आपको। मान ज्ञात करना आपको किसका, विद्युत धारा का, और उसकी दिशा दिखानी है, कौन से वाले पार्ट में, ओ से डी वाले पार्ट में। अच्छा बाबा किरचॉफ्स का याद है, KCL किरचॉफ्स ने कहा था जितना करंट आएगा उतना करंट आता है, जितना ही करंट जाता है। बेटा बताओ पहली बात तो ये, आने वाला करंट कैसा होता है, पॉजिटिव, और जाने वाला, ये जंक्शन है, ये जंक्शन, आने वाला करंट कैसा होता है, पॉजिटिव, जाने वाला कैसा होता है, नेगेटिव। बोलो चलो चलो बोलो, पहले बताओ दो को देखो, दो दो आ रहा है कि दो एम्पियर आ रहा है कि जा रहा है, सर जी जा रहा है, तो जा रहा है तो माइनस का दो। अच्छा फोर देखो जा रहा है सर जी, माइनस का चार, सर जी एक भी माइनस का एक जा रहा है, सर जी डी वाले पे देखो डी सात आ रहा है तो प्लस का सात आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इनको भी जोड़ू तो 7 माइनस का इज इक्वल टू प्लस का 7, बेटा ये देखना 7 बराबर 7 आया कि नहीं आया, अगर इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो जितना आता है करंट उतना ही जाता है। सर जी एक बात तो तय है, इसके ऑप्शन में जहाँ 7 होगा उसको पढ़ेंगे, 6 वाले को पढ़ नहीं सकते, 7 वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ओ से डी पूछा था ना, ओ से डी में करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो डी से ओ पे जा रहा है, तो टोवर्ड्स ओ, ओ की ओर, टोवर्ड्स डी नहीं, टोवर्ड्स ओ, केंद्र की ओर जा रहा है, करेक्ट आंसर 3 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोनोमेना ऑफ रेनबो। बेटा बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ, एक बात सुन लेना, मैं क्वेश्चन को नहीं बताता ऐसे, सिर्फ फैक्चुअल बता दिया। मैं कोशिश करता हूँ वो क्वेश्चन कभी जिंदगी में फंस जाए, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इतनी बार बताया जाता है, पूछा जाता है और घुमाया जाता है। बेटा कह रहा है रेनबो इंद्रधनुष, सुन लो, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन जिम्मेदार है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रक्रीडन, ये सभी तीनों कौन सा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्लियर है, या डिस्पर्जन, या तीनों? ध्यान से सुनिए, जब भी कोई प्रिज्म में से लाइट जाती है, सात रंगों में बढ़ जाती है, इसे डिस्पर्जन कहते हैं। प्रकाश का प्रक्रीडन, बेटा डिस नहीं, प्रक्रीडन गलत लिखा बेटा इसने, हिंदी में स्कैटरिंग थोड़ी, स्कैटरिंग को बोलते हैं प्रक्रीडन, ये तो भाई इसने वर्ण विक्षेपण आना चाहिए यहाँ, चलो गलत कर दिया इसने, ठीक है। डिस्पर्जन का मतलब होता है बेटा वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म जब होता है वो यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है। अब यही तो, तभी तो बोलते हैं बेटा इंग्लिश मीडियम को सही माना जाता है, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है फाइनल एग्जाम में भी, ऐसी कोई छोटी बात नहीं है, टीचर से मिस्टेक हो जाती है, एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो देखो डिस्पर्जन की वजह से, वर्ण विक्षेपण से यहाँ लाइट आएगी। अच्छा, प्रिज्म जो बनता है, सात रंग बनते हैं, वो वर्ण विक्षेपण से बने, लेकिन रेनबो जो होता है वो दो तरह का होता है, रेनबो दो तरह का होता है। मैं जो लिख रहा हूँ ना बेटा, इसे नोट कर लेना बुक कॉपी पे, रेनबो इंद्रधनुष दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है प्राथमिक, सेकेंडरी होता है द्वितीय। प्राइमरी जो रेनबो होता है उसमें एक बार TIR होता है, एक बार TIR होता है, सेकेंडरी में दो बार TIR होता है, याद रखना ये बात। अच्छा, प्राइमरी में एक दो बार रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन जानते हो, अपवर्तन होता है दो बार, ओ जी इसमें भी दो बार रिफ्रैक्शन होता है। सुनो, प्राइमरी में दो बार रिफ्रैक्शन, सेकेंडरी में भी दो बार रिफ्रैक्शन, मतलब दोनों में दो दो बार अपवर्तन होता है। अच्छा बेटा, TIR की फुल फॉर्म में ये R का मतलब क्या होता है? अपवर्तन की परावर्तन, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। बताओ प्राइमरी में रिफ्लेक्शन कितनी बार है? एक बार। यहाँ रिफ्लेक्शन कितनी बार सेकेंडरी में? दो बार। बेटा रिफ्लेक्शन कोई अलग नहीं होता, जो TIR होता है ना, TIR में जो R है उसी की फुल फॉर्म में रिफ्लेक्शन होता है। तो तुमसे ऐसे कहेगा, सुनो क्वेश्चन, प्राइमरी में कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है? जवाब बोलो, एक बार। परावर्तन कितनी बार होता है? रिफ्लेक्शन एक बार। प्राइमरी में TIR कितनी बार होता है? एक बार। TIR भी कहो, रिफ्लेक्शन भी कहो, लेकिन अपवर्तन दो बार, रिफ्रैक्शन दो बार, दोनों में रिफ्रैक्शन दो दो बार होता है, TIR यहां दो बार होता है। ये ज्यादा चमकता है, ये कम चमकता है सेकेंडरी। इसके जो बेस है लाल होता है और ऊपर वॉयलेट कलर होता है, सेकेंडरी में उल्टा होता है, ऊपर लाल और नीचे वॉयलेट होता है, क्लियर है, नीचे बैंगनी होता है। बताओ दोनों डिफरेंस क्लियर है ना? कभी भी आ जाए रेनबो किसकी वजह से बनता है, क्वेश्चन सुनो मेरा, इसका नहीं, क्वेश्चन मेरा सुनो, बताइए रेनबो किसकी वजह से बन रहा है? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोथ, मतलब परावर्तन अपवर्तन दोनों, या डिस्पर्जन? तो भाई सब पता है करेक्ट मार्क तुम किस पे करके आओगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोथ पे करके आओगे, ध्यान सुनना ये बात। मेन अगर डिस्पर्जन भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा ना ढंग से, तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पे क्लिक किया जाएगा। डिस्पर्जन जो है ना, वर्ण विक्षेपण की सोचने वाली बात, तो तीसरे नंबर पे आती है। पहला पॉइंट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इन पे क्लिक किया जाएगा, जो मैं यहां तो मैं डिस्कस कर रहा था, क्लियर है बेटा। अब ये क्वेश्चन उसने कलाकारी से दे दिया कि रिफ्लेक्शन भी है, बिल्कुल है, रिफ्रैक्शन भी है, बिल्कुल है। अगर बोथ दे देता ना, तो बोथ वाला मार्क क्लिक होता, ना कि डिस्पर्जन वाला, बात समझ आई? लेकिन दोनों इसने दिए नहीं, डिस्पर्जन भी दे दिया, तब तो मैं तीसरी बार डिस्पर्जन सोचनी है, सही बोला सर। तो बेटा करेक्ट आंसर होगा ऑल, सबके सब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको पता लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए प्लेन ऑफ कॉन कर्वेचर ऑफ
कर्व दे रखा प्लेनो कॉनकेव लेंस। बेटा सुनना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कभी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उल्टा सीधा प्लेनो कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स प्लेनो कुछ भी कर डालोगे, बस इसे सुन लेना। 12 सेंटीमीटर फाइंड द फोकल लेंथ, बताइए उसकी कितनी होगी जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। अच्छा सुनो ध्यान से, एक समतल जो लेंस है उत्समतल उत्तल मतलब दोनों तरह का लेंस लगा हुआ है और वक्राकार में है हिस्से में, उसकी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, फोकल लेंथ बताइए जबकि उसका अपवर्तनांक सूचनांक इतना है। बहुत बढ़िया बात सर, तुमने एक बात बताओ कभी लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था? लेंस मेकर फॉर्मूला 1/F=, क्लियर है? जो बच्चे ने मेरी क्लास ली है मैंने उनको रेयर टू डेंसर डेंसर टू रेयर बताए थे और उन्हें मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कैसे फॉर्मूला बनता है। बेटा वहीं पे एक और आता, वो क्या था? लेंस मेकर फॉर्मूला। और वो लेंस मेकर फॉर्मूला पता किससे बनता है? उन्हीं 6 स्थितियों से बनता है जो मैंने तुम्हें बनवाई थी कि रेयर से डेंसर सघन से विरल, उनसे बनता है। वैसे आपने सुना होगा 12th में 1/F = μ-1 लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये 1/R1 - 1/R2, बेटा ये फॉर्मूला होता है। बताओ ये होता है कि नहीं होता? क्लियर है सर? बिल्कुल होता है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, प्लेनो कोण की बेटा ऐसे होता है, ये रहा प्लेन समतल और कोण की लग गया। अच्छा प्लेनो कोण की मुझे एक बात बताओ, जो इसने बोला प्लेनो कॉन्वेक्स था ना, हाँ जी प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कौन की नहीं कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, क्लियर है? और इसकी क्या होती है? इनफाइनाइट, अनंत होती है नहीं होती समतल की प्लेन की? बिल्कुल होती है। अच्छा वैल्यू रख दोगे? रख देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्लस का 12 याद रखना, अगर ये ऐसे आता ना ऐसे 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 इस तरह का जो होता है ये देखो ये वाला ऐसे वाला, ठीक है, तो बेटा इस कंडीशन में ये कितना बन जाता? ये माइनस का 12 बन जाता और ये इनफाइनाइट अनंत का बन जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां कॉनवेक्स है वहां तो पॉजिटिव लिया जाएगा उत्तल वाले में, और अवतल जो होगा वहां क्या लिया जाएगा? कॉनकेव में नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है अब सुनिए ध्यान से, तो तुम्हें क्या दिखा? ये पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो आप यहां क्या लेंगे? 1/ बोलो प्लस का 12 और -1/R2 कितना था? इनफाइनाइट। 1/ क्या है? पूरा 0 बन गया। रखो वैल्यू, म्यू कितना है? 1.5 - 1 × 1/12 है बेटा, 0.5 बचेगा इंटू 1/12 है, होगा नहीं होगा? और करेक्ट यहां से क्या निकलेगी? 1/24 निकलेगी, नहीं निकलेगी? 1/F की वैल्यू 1/24 है, तो बेटा F बराबर कितना है? 24 करेक्ट आंसर आएगा इसका, क्लियर है? 24 ऑप्शन ई। चलिए अगला कहता है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ साइक्लोट्रॉन इज डबल, अगर मैग्नेटिक फील्ड को दोगुना कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा फ्रीक्वेंसी के चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर, वो दुगुनी हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी, वो चार गुनी हो जाएगी, वो सेम रहेगी साइक्लोट्रॉन। सर ये मत पूछना अब साइक्लोट्रॉन क्या होता है, हम बचपन से जानते हैं साइक्लोट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को या अल्फा कणों को एक्सेलरेट करता, त्वरण करता, उनकी स्पीड को बढ़ा देता है, वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा एक बात बताओ, तुमने कभी फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी? और जब कभी तुमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी का रिजल्टेंट क्या था? याद करो F=, साइक्लोट्रॉन में होता है QB/2πm, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, कर दो। अरे सिंपल देखो, मैग्नेटिक फील्ड को B को दुगना 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 डबल कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओ जी दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब, डबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया, देख रहे हो ना? अच्छा बेटा टाइम, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, बताओ ये F का फॉर्मूला है ना QB/this, तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? उल्टा कर दो, 2πm/QB आएगा, 2π/QB। बेटा एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप सुन लो तो, पूछी जाती है कई बार इस साइक्लोट्रॉन में एक नया रिजल्टेंट है, तो तुमने पढ़ा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, रेडियस त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, याद है साइक्लोट्रॉन में ऐसे 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 घूमता था,
त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी वेग उतना ही ज़्यादा होगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। बेटा देखना इस टाइम वाले फॉर्मूले में कहीं तुम्हें R दिख रहा है, तुम बोलोगे बिल्कुल ना सर, कहीं V दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा। और वो यही पूछता है कि जो टाइम है ना, जो साइक्लोट्रॉन का समय है, वो किस पर आधारित नहीं करता, और ऑप्शन दे रखे होंगे। तो याद रखना अगर वहां त्रिज्या लिख दे तो कह देना सर नहीं करता आर पे, क्योंकि है ही नहीं फॉर्मूले में। किस किस पर डिपेंड नहीं करता फॉर्मूले में देख लो, क्या आर और वी है, नहीं है, तो लिखना। तुम बोलोगे सर उसकी त्रिज्या पर टाइम डिपेंड नहीं करता जब ये घूमता है इसकी त्रिज्या पर, और ना ही टाइम डिपेंड करता इसके वेग पर। बोलो ये बात पची कि नहीं पची। एडिशनल क्वेश्चन था, समय लिख लो, समय आर और वी पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता, आधारित करता मैग्नेटिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पर, बी पर, चार्ज पर, और उसके मास पर, उस पार्टिकल पर। बोलो बात समझ आई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने किया जाता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कैसे कैसे पूछ सकता तो भी मैं बताता हूं। कहता है द एंगल ऑफ डिप ऑफ अर्थ इज 30 डिग्री। बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री है, पहले बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, ओहो टेस्ला गुरुजी, ये तो बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिट से पहचानते हैं। फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, बताओ अर्थ मैग्नेटिज्म का। ऑप्शन है 32, 10, 12, 8। एक विद्युत पॉइंट पर जो नीति कोण है वो 30 है, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्या होगा? और घटक कैसे निकालोगे तुम, देखिए मतलब हॉरिजॉन्टली पूछ रहा है। देखो बेटा आपको मैं बताऊं तो इसने क्या दे रखा, इसने दे रखा है एंगल ऑफ डिप दे रखा है, झुकाव कितना 30 डिग्री का, कोई बड़ी बात नहीं। जबकि बी तुम्हें कितना दे रखा है, 16 टेस्ला दे रखा है। जब वो पूछे ना वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल पे हमेशा साइन थीटा आता है ना, तो तुम क्या कहोगे, बी साइन थीटा। बेटा अगर मान के चलिए किसी दूसरे बच्चे का सेट आया और उसमें पूछ लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्लियर है, क्षितिज वाला, क्षितिज घटक पूछ लिया, तो बेटा वहाँ लगाना बी कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर हमेशा कॉस आता है और वर्टिकल पर हमेशा साइन आता है। रट तो नहीं रही ना, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो ये पूछा वर्टिकल, रख दो बी कितना 16 गुना में साइन 30 की वैल्यू बताना कितनी होती है, 1/2 सर जी काटो, सर जी 8 आ गया 8। बात पची के नहीं पची, स्क्रीन पर दिख गया सब। हॉरिजॉन्टल पूछा तो निकाल दोगे क्षितिज, ठीक है, वर्टिकल पूछ रहा तो भी निकाल दोगे। क्वेश्चन आना चाहिए इस तरह का, सर दोबारा आ गया तो उड़ा डालेंगे ढंग से। बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 8 टेस्ला, 4th। बहुत बढ़िया। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लेंज लॉ की स्टेटमेंट इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी इनकरेक्ट है? इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, हिंदी मीडियम को बता देते हैं। लेंज लॉ का कौन सा इनमें से संबंध जो है वो गलत है? यह प्रेरित ईएमएफ की दिशा देता है, यह इंड्यूस्ड करंट के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताता है। सर बिल्कुल बताता है, आप सही कह रहे हो। एक बार बेटा बता दूं लेंज लॉ क्या है। देखो यहाँ लेंज लॉ क्या कहता है, ये कोई कॉयल है, ये कोई मैग्नेट है, चुंबक बार मैग्नेट, क्लियर है। मैग्नेट को नज़दीक लेके आओगे तो फाई बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, उसे दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स कम होगा। सुनना लेंज लॉ, सुनना बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ की एक छोटी सी, मैं आपके सामने एक वीडियो भी यहाँ डालना चाहूँगा, लेंज लॉ क्या कहता है उस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है। इस लेंज लॉ के बाद फिर लेंज लॉ का क्वेश्चन मुझे बताना, लेंज लॉ का कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। देखिए वीडियो को, सब कुछ यहां हुआ। लेंज कहता है ये देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, चेंज इन फ्लक्स हुआ, चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या बन गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या बना, इंड्यूस्ड करंट बन गया। पहले ईएमएफ बनता फिर उसके बाद करंट बनता है, और यही करंट अपने कारण का, किसका, जिसकी कारण की वजह से पैदा हुआ है उसी कारण का अपोज करता, कहता हटाओ इसे। एग्जाम्पल दिया मैंने, तुम मेरी वजह से बने और तुम मेरा ही अपोज करने लगो, यही लेंज की थ्योरी थी। दिल पे मत लेना, फेफड़ों पे लेना, मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा था किसकी वजह से। बात समझ आई?
तो अब क्या हुआ, लेंज ने ये कहा था कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बनेगा, और यही करंट अपने ही कारण का, जिसकी कारण की वजह से वो पैदा हुआ है, उसका अपोज करता है। हाँ जी, देखा बच्चे, अब मुझे एक बात बताइए, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिल्कुल ईएमएफ की दिशा देता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है? देखो फ्लक्स में कंजर्वेशन कैसे बोलता है इसे, एनर्जी कंजर्वेशन। बेटा जब तुम यहाँ चेंज करोगे, बताओ चेंज करोगे, उसे लेके आओगे, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब तुम लेके आओगे, चेंज करोगे, ये उसी का अपोज करता है, ये बात पढ़ी थी। जब इसे चेंज करोगे, बार बार लेके आओगे, तो फ्लक्स जब आगे पीछे आएगा, तो चेंज करने की वजह से ये कौन सा काम है, मैकेनिकल वर्क, और ये कैसा है, इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो आप ये कहोगे कि जो मैकेनिकल काम था ना, बार बार लाने ले जाने का, ये किस में बदल गया है, विद्युत में। यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका मतलब ये कंजर्वेशन तो है, बिल्कुल है कंजर्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनाता है। इट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सर ये नहीं लग रहा। इसके बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बिल्कुल चेंज ऑफ फ्लक्स में बदलाव आता है, क्लियर है। और इसमें बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट भी आता है, वापस जाओ, माइनस माइनस ई का कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है। करेक्ट आंसर होगा, यह नहीं बताता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। हाँ जी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो गया, 21। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोड्यूस्ड बाई, बताइए जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न करी जाती हैं? एक आवेश कण जो विराम अवस्था में है उसके द्वारा करी जाती हैं, रेस्ट चार्ज पार्टिकल के द्वारा, या चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, एक वेग के साथ, नियत वेग के साथ चल रहा चार्ज पार्टिकल उसके द्वारा, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के द्वारा, या ये चार्ज पार्टिकल कैन नॉट प्रोड्यूस ईएमवे, वो ईएमवे पैदा कर ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर इसका होगा थर्ड, किसके द्वारा, एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के द्वारा। अगर चार्ज पार्टिकल लगातार एक कॉन्स्टेंट त्वरण से जब चलेगा तो ईएमवे बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम डिस्कस करते हैं, यहां ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करी जाती हैं, आपने कर लिया। अगला बेटा करेक्ट, बोहर की थ्योरी इनमें से कौन सी थी? देखिए, द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बोहर ऑर्बिट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, या लेस देन थर्ड ऑर्बिट। इनमें से जब क्वेश्चन नंबर देखोगे 22, आप देखिए सबको, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल अबोव। बोहर ने सब कुछ कहा था, कोणीय संवेग के बारे में, तीसरी कक्षा के बारे में कम होगा, ये सारी बातें सही हैं। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, इसका फोर्थ, सभी सही होंगी बोहर मैग्नेटन में, क्लियर है, सारे पॉइंट इनके सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच ऑफ द यूज्ड प्रोडक्ट एक्सरे फ्रीक्वेंसी के एक्सरे को बताने वाला लॉ कौन सा था? याद रखना मोस्टली यही लॉ था, मोस्टली लॉ, रदरफोर्ड भी नहीं था, ठीक है, बोहर का जो था जिसे मोस्टली नियम के नाम से जानती थी। अगला है, चूज द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट करो, फुल वेव रेक्टिफायर, इनकरेक्ट बतानी है, इनकरेक्ट गलत बतानी है। पहले एक बात बताओ, रेक्टिफायर क्या करता है? सर जी, जो एसी को डीसी में बदलता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, क्लियर है। क्या रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता? सही बात है सर। पावर लॉस बाय रेक्टिफायर इज वेरी लेस, ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यह एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हाई होती है, बिल्कुल ठीक सर। ये क्या, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, डीसी को एसी में, ये बात गलत है सर। करेक्ट आंसर यही होगा कि यह जो है एसी को डीसी में बदलता, लेकिन डीसी को एसी में नहीं बदलता। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा, इनमें से ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डोपिंग इन बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में किस तरह की बेसिंग होती है? सुन लो ध्यान से, एक क्वेश्चन के साथ 6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, सुन लो। ये होता है ऐसे, पी एन और पी, बेटा ध्यान से सुनना, हमेशा ट्रांजिस्टर ऐसे होता है, इसे बोलते हैं एमीटर बेस कलेक्टर। एमीटर को हिंदी में उत्सर्जक, बेस को आधार, कलेक्टर को संग्राहक बोलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा साइज जो है ना
वो साइज सबसे बड़ा किसका होता है? संग्राहक का होता, कलेक्टर का। उसके बाद दूसरे नंबर पे एमीटर का। सबसे स्मॉल साइज किसका होता है? बेस का, आधार का। अब बात करते हैं डोपिंग की, मिलावट की। मिलावट जो है ना, वो मिलावट सबसे ज्यादा एमीटर में होती है। क्या? डोपिंग, सबसे ज्यादा मिलावट। फिर इसमें होती है किसमें? कलेक्टर में। और फिर सबसे कम जो होती है, सबसे कम डोपिंग मिलावट किसमें होती है? बी में। ये जो फिगर है ना, इसका बेटा स्क्रीनशॉट दिमाग में सेट कर लो। सबसे बड़ा साइज किसका? कलेक्टर का। सबसे छोटा साइज किसका? बेस का। सबसे ज्यादा डोपिंग मिलावट किसकी? उत्सर्जक एमीटर की। क्लियर है? तो बताइए क्वेश्चन क्या होगा, बताइए विच टाइप ऑफ द बेस, बेस की कैसी डोपिंग होती है? तुम जवाब दोगे सर लाइट होती है, हल्की होती है। हल्की डोपिंग, सबसे हल्की डोपिंग किसमें होती है? भारी मध्यम नहीं, हल्की पढ़नी थी। किसमें? बेस में हल्की होती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 तक आपने सहयोग दिया। ये वीडियो इतनी लंबी इस वजह से गई है, जो बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एक घंटे की वीडियो बना दी, क्योंकि बेटा ये एक नहीं, एक क्वेश्चन के साथ कई कई कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताऊं ना, सिर्फ 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन बता दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका। उसे रटंत विद्या कहा जाता है। चलिए, आपका बहुत बहुत सहयोग। बने रहिए अपने नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने वर्दी हमसे पाई है, अपनी मेहनत से पाई है, हमारा सिर्फ सहयोग है, आशीर्वाद प्रभु का। और आप उस कतार में आए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, और आपके साथ हमारा आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।